अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजरीन, आज नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार ही नजर आया। किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। नवाज शरीफ साहब की जानिब से सिक्योरिटी बॉन्ड्स की शर्त ना मानने के ऐलान के बाद आज फिर कैबिनेट की सब कमेटी का एक सेशन हुआ, जिसमें जो हतमी फैसला किया गया कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने के लिए 7 बिलियन रुपीज के इंडेमनिटी बॉन्ड्स या सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएं, फिर इन्हें 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत होगी। इसका ऐलान वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम साहब ने अपनी प्रेसर में किया। हम सुन लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से टुडे अबाउट दिस। लेट्स वॉच दिस। ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीज़ के लगभग आता है। और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड, एंड 4 हफ्ते के बाद नेचुरली जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये वन टाइम परमिशन है। और अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ। अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब कल का फैसला ही आज भी बरकरार नजर आता है और इसमें कोई वाज़े चेंज नहीं की गई है। और अब नवाज शरीफ इस शर्त को मानने से, जिसको कि वो पहले ही इनकार कर चुके थे, क्या उसमें कोई तब्दीली आती नजर आएगी? जो मुआवने खसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, उनका कहना है कि हुकूमत के इस फैसले पर एतराज है तो अदालत जाए। और फिर साथ ही हमने देखा कि आज फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से मीडिया टॉक की और कहा कि ज़ेली कमेटी यानी सब कमेटी कह रही है कि माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। इसहाक डार, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी वापसी की यकीन दहानी कराते रहे, लेकिन वापस आज तक नहीं आए। ऐसे ही जाने दिया तो कल को आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी बाहर जाने का कहेंगे। हम एग्जैक्टली आपको सुनवा देते हैं व्हाट डिड ही से अबाउट दिस टॉपिक टुडे। पहले क्या नवाज शरीफ साहब का क्या हुआ, इसहाक डार इससे भी ज़्यादा बढ़ के मार रहे थे जितनी आज एहसन इकबाल या जो बाकी PMLN की गवर्नमेंट के लोग हैं वो मार रहे हैं। वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब के जहाज में मुल्क से बाहर गए, वापस नहीं आए। हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, ये तमाम लोग जो हैं ये बाहर गए, वापस नहीं आए। अब नून लीग में एक लड़ाई जारी है नून लीग की लीडरशिप। और साथ साथ अगर बात कर ली जाए मौलाना फजलुर रहमान के धरने की, तो उनका धरना अब अगले मरहले में दाखिल होता नजर आ रहा है और मौलाना ने अपने प्लान बी पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है और यहां से धरने को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। आज जब वो शुरका से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आज ही यहां से रवाना होंगे और धरने के शुरका सड़कें बंद करने वालों के साथ शरीक हो जाए। एग्जैक्टली व्हाट डिड ही टॉक अबाउट प्लान बी, लेट्स वॉच दिस। कि आज ही हम यहां से रवाना होंगे और आप तक पहुंचकर हम आपकी सफ में खड़े हो जाएंगे, ताकि आजादी मार्च का नया मरहला कामयाबी के साथ आगे बढ़े। अब दीवार हिल चुकी है और गिरती हुई दीवारों को अब एक धक्का और दो, इसका इंतजार है। नाजायज हुक्मरानी कभी कबूल नहीं है। और मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा आपसे कि आपके सामने जहां जहां पर मुजाहरा हो रहा है वहां वहां पर एक जिम्मेदार का तायुन किया गया है। किसी एम्बुलेंस को का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, किसी मरीज का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जी नाजरीन, और अभी तक हमारे पास जो इत्तला आ रही हैं उनमें JUIFA के कारकुनों ने क्वेटा चमन शाहरा ब्लॉक कर दी है, शाहरा रेशम को ब्लॉक करने की खबरें भी सामने आ रही हैं और आज़ादी मार्च के अब इस अगले मरहले पर प्लान बी के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर क्या धरना दिया जाएगा, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। और फिर क्वेटा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम जिंदगी अगर मफलूज होता है तो उसका हल क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मुल्क भर में हड़ताल की कॉल भी दी जाएगी।
जाएगी। क्या ये फैसला भी JUIF ने तमाम अपोजिशन जमातों की मुशावरत से किया है या ये सिर्फ JUIF का अपना एक फैसला है? अब देखना यह भी होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने प्लान ए से क्या खोया क्या पाया और अब वो प्लान बी की जानिब है, तो क्या प्लान बी भी कामयाब होता नजर आएगा या उसका भी कुछ हमें एक हासिल वसूल अभी तक जो है सामने नहीं आया है, हम इसको भी जेर बहस लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन, हम आपसे अपने ऑनरेबल गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर जनाब असलम गौरी साहब, सेंट्रल डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जमियत उलमा इस्लाम, फेस इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहां पर नून लीग से अपना आगाज करेंगे गुफ्तगू का। राना अरशद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे और आज पूरा दिन हम देखते रहे कि जो नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने का मामला है वही खबरों की जीनत बना रहा, लेकिन हल अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। आज जो मुआवन खसूसी वजीर आजम शहजाद अकबर हैं, उनका कहना है कि हकूमती फैसले पर अगर आपको एतराज है, नून लीग को एतराज है, तो आप अदालत जाएं। तो इसमें क्या शरीफ फैमिली इस फैसले के खिलाफ कोर्ट्स में जाती हुई नजर आएगी? क्या शरीफ फैमिली के पास इतना वक्त है कि वो इस मामले को इतना जो डिले कर रहे हैं, वो तूल दे रहे हैं, तो क्या क्या तूल देने से नुकसान नहीं होता हुआ नजर आएगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताया फरोग नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहजाद अकबर साहब की, तो इशू ये है कि हमने तो अपनी सबमिशन अदालत आलिया में दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, 8 हफ्तों की बेल दी, और उसी तरह हाई कोर्ट लाहौर में, तो वहाँ पर हमने जो वहाँ पर गारंटी डिमांड की गई वो हमने दी, और अदालत आलिया ने कोई फर्दर गारंटी हमसे डिमांड नहीं की थी। और आपने भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक हफ्ते से कह रहे हैं कि मियां नवाशी साहब की जो तबीयत है वह इंतहाई ख़राब है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर उनकी सबाई मिनिस्टर हेल्थ जो है यास्मीन राशिदा साहबा, वो भी मियां साहब से मिली, और वो भी जो उनकी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने देखा कि वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर रही थी। तो इशू ये है कि ये हकूमत का जो रवैया इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल से ये हमें दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं, तजहीक की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की बीमारी पर हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमें अदालत ने रिलीफ दे दिया और हमने अदालत में एडमिट किया है और जो टर्म एंड कंडीशन हम 8 हफ्तों के बाद अदालत में पेश होंगे, और जो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने कहा था कि ये सबाई या फेडरल गवर्नमेंट से भी आप रिलीफ ले सकते थे, लेकिन हमने किसी गवर्नमेंट से ना सबाई से ना फेडरल गवर्नमेंट से हम रिलीफ नहीं लेना चाहते। राना अरशद साहब, सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस जमानत को, इन इंडेमनिटी बॉन्ड्स को क्यों नहीं मान रही? अगर इस वक्त सबसे अहम इशू नवाज शरीफ साहब की सेहत का है तो फिर ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो है जमा करवाने में क्या हर्ज है? जब वो वापस आएंगे तो वो इनको रीइंबर्स हो जाएंगे। हम सिक्योरिटी बॉन्ड किस लिए जमा करवाएं? किस लिए जमा करवाएं? हम फिर कोर्ट्स में चले जाए, देख रहे ये कोई तरीका नहीं है। और ये जब जुल्फी बुखारी साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकला था तो कौन सा इजलास हुआ था, कौन सी दिल्ली कमेटी ने मीटिंग की थी और कौन सी कैबिनेट बैठी थी? फिर लियाकत जतोई साहब का नाम जो निकला वो भी नैब की तरफ से था। तो इशू ये है कि ये हकूमत का रवैया मैं समझता हूँ कि किसी सूरत मुनासिब नहीं। हमारे वकला हमने आला सतही इजलास तलब कर लिया है मियां साहब की डायरेक्शन पर, इंशाल्लाह हम सुबह फैसला करेंगे कि हमने आगे और क्या डिसीजन करना है। अहमद, ठीक अहमद अवैस साहब, यहाँ पर हमें आप कुछ लीगल जो ओपिनियन है वो भी बताइएगा। आप इस वक्त जो आज के मामलात सामने हैं उसमें हमारे सामने जो हमें बताया गया है प्रेसर टॉक में फरूख नसीम साहब ने जो की है उसके मुताबिक ये वन टाइम परमिशन दी जा रही है, ये लिमिटेड टाइमलाइन बेस्ड परमिशन है, और प्लस इसमें इंडेमनिटी बॉन्ड जो है
वो आप इन्होंने जमा करवाने हैं। तो अब ये जो एक कन्विक्टेड के हवाले से ये चीज़ जो है की गई है, तो क्या ECL के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि वफाकी हुकूमत किसी मुजरिम से जमानत के तौर पर ये इंडेमनिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड्स तलब करे, जबकि अदालत की जानिब से जमानती जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो जमा करा दिए गए हों ऑलरेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। बात यह है कि एक तो ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि किसी कॉन्विक्ट को आप मेडिकल एड के लिए और ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो, क्योंकि आपने लीगल एस्पेक्ट की बात की है तो मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। एक तो पहलू ये है कि अदालत ने इनको, हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल आउट किया हेल्थ रीज़न के ऊपर, और उस बेल आउट जब उनको ज़मानत पे रहा किया तो उसके लिए उनको जो ज़मानत नामा जो है अदालत में जमा करवाना होता है, वो उन्होंने उसके जो अमाउंट रखी कि आपने इतनी मालियत का ज़मानत नामा जो है वो आपने जमा करवाना है, और वो उन्होंने करवा दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट अदालत की थी। ये थी सिर्फ बेल बॉन्ड की हद तक जो अदालत ने उनको ज़मानत की रिहाई का ऑर्डर पास किया था। अब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ वाकयात हो चुके हैं। इसहाक डार साहब आपके हमारे सामने हैं, किस तरीके से गए थे और क्या यहाँ पर अंडरटेकिंग देकर गए थे। हुसैन हकानी साहब उससे पहले आपके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके से गए थे और उसके बाद वो गायब हो गए। इनके में नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे साहबजादे जो हैं, हुसैन नवाज और हसन नवाज, यहाँ पाकिस्तान से बाहर चले गए और उसके बाद वो आने का नाम नहीं लेते। तो बात यह है कि ऐसी सूरत में ये गारंटी लेना, ये श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना जो है कि आप उसको, उसकी वजह यह है कि ये जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान की अदालत की हदूद से और पाकिस्तान की एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे, और उस वक्त सिर्फ यहाँ पे जो इनका श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे होंगे वही सिर्फ एक जमानत होगी कि अगर वो नहीं आते हैं तो वो लिक्विडेट करवाने पड़ेंगे। और लिहाजा अगर ये नेक नियति से जा रहे हैं और वो खुदा करे इनका अच्छा इलाज हो जाता है, ये वापस आए तो ये उस वक्त ये बड़ी आसानी से। लेकिन अहमद अवैस साहब, ये इत्तला भी सामने आई है कि ये जो फैसला है ये फेडरल गवर्नमेंट ने ही नहीं किया, इसके लिए नैब की जानिब से भी लिखकर कहा गया कि ऐसे इकदामात उठाएं हुकूमत भी जिससे ये वाजे हो सके कि वो वापस आएंगे, उनकी वापस आने की भी गारंटी दी जाए। तो अब यहाँ पर आपने जो इजाज़त दी है उसमें टाइम लिमिटेड रख दी है, उसकी जानिब से भी नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है उस पर भी कि वो लोग कैसे गारंटी दे सकते हैं, वहाँ पर जब मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होगी तभी पता चलेगा कि कब ख़त्म होगी ये मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो डेडलाइंस रखी गई हैं कि वापसी की अश्योरेंस दी जाए, सिक्योरिटी बॉन्ड्स दिए जाएं और टाइम बार्ड कर दिया है आपने, उसको टाइम लिमिटेड कर दिया है, तो ये क्या आपको लगता है कि अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सब कुछ किया जा रहा है तो शायद वापसी की शर्त और उसको टाइम बार करना जो है वहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी दिखा देनी चाहिए? देखिए, ये तो एक डायरेक्टरी प्रोविजन है ना। सवाल ये है कि ये उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और ट्रीटमेंट वाकई इसहाक डार वाली सूरत हाल नहीं है बल्कि जेन्युइनली ट्रीटमेंट जो है उसमें टाइम लग जाता है और कोई उनको और ज़्यादा वक्त लगता है तो वो उसका रिकन्सिडर किया जा सकता है। ये मामला ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर ये आखिरी इसके ऊपर वो स्टैंप लग गई और इसको ये सील जो है ये अब हटाई नहीं जा सकती, वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि इनको यहाँ पर अपना श्योरिटी बॉन्ड ज़रूर देना होगा ताकि इस बात का एक एहतमाल ना रहे कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा गया है ये 7 बिलियन रुपीस का अप्रोक्सीमेटली कहा गया है कि 7 to 7.5 बिलियन रुपीस का ये बनता है, और अगर अमाउंट देखी जाए तो जो एलिगेशंस लगाए गए हैं नवाज शरीफ साहब पर उसमें अगर सिर्फ चौधरी शुगर मिल्स केस को ही देख लिया जाए तो उस केस में ही ये जो पैसा है ये अमाउंट उससे कहीं ज्यादा के एलिगेशंस लगे हैं, तो इसमें पैसा या अमाउंट जो है क्या वो सीरियस एक इशू हो सकता है नून लीग के लिए? होना तो नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये इशू होना भी नहीं चाहिए किसी सूरत भी। और ये तो ये कोई उन्होंने इतनी अमाउंट जो है वो इन कैश तो जमा कराने के ऑर्डर नहीं किए हैं, ये तो उतनी इक्वलेंट अमाउंट की जिस तरह बेल बाउंड होता है एक श्योरिटी
उसके अंदर उतनी मालियत की जायदाद जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वहाँ पे इन्होंने जमा कराने हैं, और उसकी इवैल्यूएशन जो है वो साथ सर्टिफिकेट लगा होगा कि इतनी वैल्यू के ये डॉक्यूमेंट हैं, और वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज के या दूसरे बॉन्ड वो वहाँ में जमा कराएंगे। ये इसमें ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। हाँ, इसको सीरियस इशू जो है पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऑलराइट राणा अरशद साहब, यहाँ पर क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें, 7 बिलियन रुपीज की बात की जा रही है, जो कि कहा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पर प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उसके तौर पर भी जमा करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। अब अगर ये तूल दिया जा रहा है, ऑब्वियसली अब मामला नून लीग के कोर्ट में है, और अगर इस दौरान नवाज शरीफ साहब की सेहत को मजीद जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, खतरात पैदा हो जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस नून लीग के इस फैसले से तो जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये हीले बहाने बनाकर जब कोर्ट ने रिलीफ दिया और जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे, उनके वजरा कहते रहे, वजीर खारजा ने परसों मुल्तान में स्पीच करते हुए कहा कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और मर्जी है मियां साहब की कि वो इलाज मुल्क के अंदर करवाएं या बाहर करें, तो कहां पर सिक्योरिटी बॉन्ड्स का जिक्र था? अब जब एक फैसला हो चुका है कि हमने जाना, और मियां नवाज साहब कतन आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शमसी साहब, सबकी रिकमेंडेशन आने के बाद कि उनके जो टेस्ट है, देखना जी 21 अक्टूबर से लेकर आज 13 नवंबर हो चुका है, ये 22-23 दिन का टाइम गुजर चुका है, हकूमती डॉक्टर्स अब तक ऑन बोर्ड हैं, तो वो क्यों नहीं डायग्नोज कर सके कि असल मर्ज क्या है और प्लेटलेट्स काउंट क्यों रिड्यूस होते जा रहे हैं, उनमें ठहराव क्यों नहीं आ रहा? ये एक सवालिया निशान है। और खुद मिनिस्टर हेल्थ ने कहा, लेकिन अब तो जब से वो जाति उमरा शिफ्ट हुए हैं, वो तो ये भी कहा गया है कि आज भी बल्कि कहा गया है कि जो आपकी शरीफ सिटी मेडिकल सिटी है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्रॉस चेक भी किए गए हैं, वेरीफाई भी करवाए गए हैं पंजाब मेडिकल बोर्ड से। तो अब तो नवाज शरीफ साहब की जो पर्सनल फिजिशियन है उनकी सेहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मौलाना नासिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फेस से, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। मौलाना नासिर महमूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमें बताइएगा कि आज हम देखते हैं कि ये जो सब कमेटी है फेडरल कैबिनेट की, उसने एक फाइनल हतमी फैसला सामने रख दिया है और उन्होंने इस जो मंजूरी दी है नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, एक तो उसको उन्होंने वन टाइम परमिशन किया है, सेकंड उन्होंने इसको टाइमलाइन जो है वो लिमिटेड कर दिया है, थर्ड वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स मांग रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.5 बिलियन रुपीज के। तो आपके ख्याल में क्या ये सही इकदाम उठाए गए हैं? नून लीग आखिर क्यों कह रही है कि कैबिनेट ने एक और अदालत लगा दी है, जबकि वो पहले ही अदालत में श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवा चुके हैं, तो अब ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स क्यों जमा करवाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि अब हुकूमत अपने लिए कोई सियासी नाक बनाना चाहती है, और इस तरह की हरकत एक मरीज की हालत जब तश्वीशनाक हो तो हुकूमत को ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी सियासी बर्तरी नहीं साबित करनी चाहिए। जिस तरह अदालत ने फैसला किया है उसके मुताबिक उनको फौरन रिलीज करना चाहिए, और ये तो वाजे हो रहा है कि हुकूमत हर मामले में अपनी साबका नाअहली और अजम दिलचस्पी और उसी यूटर्न की पॉलिसी के अमल पैरा है। तो हर मामले पे तो उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा हो, लाखों लोग उससे मुतालक हों और उसकी सेहत इंतहाई तशवीशनाक हो, तो मेरे ख्याल में ये इशू ऐसा नहीं है कि इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए या कोई इस किस्म की शरायत लगाकर अपनी नाक को ऊंचा करने की कोशिश की जाए या सियासी बरकरी साबित करने की कोशिश की जाए। इस हवाले से हुकूमत ने भी पहले कहा था कि हम इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे, तो अब भी मेरा ख्याल है उसको सियासत की नजर नहीं करना चाहिए और उनको फौरन उनका नाम ECL से निकाल कर उनको अपने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब, आखिर नून लीग भी जैसा कि कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है वो इंतहाई सेंसिटिव स्टेज पर है, तो और जैसे कि आज शहजाद अकबर साहब कहते हुए नजर आए कि नून लीग जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए जाए और फिर नून लीग जो है वो कोर्ट्स में आ जाए, एटलीस्ट टाइम सेव होगा और नवाज शरीफ साहब जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो उनकी वहां शुरू हो जाएगी और बाद में ये कोर्ट्स प्रोसीजर्स जो है इसको फॉलो करते रहे,
تو اس پر کیوں نہیں عمل کرا, ارجنسی کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں نون لیگ کی جانب سے نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر؟ میرے خیال میں یہ شو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, این آر او سے ہٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں یا اپنی سیاسی برتری ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب ایک مریض کو عدالت نے اس کو اجازت دے دی ہے, فیصلہ اس کے حق میں کر لیا ہے, تو اب حکومت کو اس طرح کی غیر قانونی چیزیں ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس کو مجبور ثابت کرنا اور اس کے اوپر پابندیاں لگوانا, یا آپ یوں سمجھیں ناک رگڑوا کے اس کو باہر بھیجوانے کی کوشش کرنا, یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے. ایک پاکستان کے وزیراعظم کی سطح پر جو آدمی رہا ہو اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ حکومت کی بدلاغ ہے. پوچھ لیتے ہیں یہاں پر, ٹھیک احمد اویس صاحب, یہ اب یہ ایک اور پرسپیکٹو بھی سامنے ہے, اور اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر پہلی مثالیں دیکھیں, حسین حقانی ہو گئے, اسحاق ڈار, حسین نواز, حسن نواز, یہ سارے نام آ رہے ہیں کہ یہ جا کر واپس نہیں آئے, لیکن اگر ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھا جائے اور نواز شریف صاحب کو اگر انالائز کیا جائے کہ جب پہلے بھی کورٹس کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ لندن سے واپس پاکستان آئے, اگر ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی, تو پھر اس وقت بھی کیا حکومت کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا دینی چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت نے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے تو فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ علاج جو ہے, دیکھیں نا کتنے مریض ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بننے کے بعد سے ہزاروں لاکھوں ایسے قیدی ہیں, کانوکٹ ہیں, کہ جو بڑے بڑے سخت بیمار ہوتے ہیں ان کے لوکل ہاسپٹلز کے اندر ہی ان کے علاج ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ صحت یاب بھی ہوتے ہیں, اور جس کو زندگی نہیں ہے وہ صحت یاب نہیں بھی ہوتے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کانوکٹ کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. یہ پہلا موقع ہے, یہ لینینٹ ویو لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے. اب بات آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ نواز شریف کی پرانی ہسٹری آپ دیکھیے تو وہ واپس آ گئے تھے. دیکھیے نواز شریف صاحب واپس اس لیے نہیں آ گئے تھے کہ وہ والنٹریلی واپس آ گئے تھے, نواز شریف صاحب واپس اس لیے آ گئے تھے کہ جو نیب نے جو فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف اس کی 30 ڈیز کے اندر اس کی اپیل کرنی تھی وہاں پہ ہائی کورٹ میں, اور وہ اپیل جو تھی جب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک یہ پاکستان میں نہ آتے, اس لیے مریم نواز کو بھی اور نواز شریف صاحب کو دونوں کو پاکستان آنا پڑا تھا اس اپیل کو دائر کرنے کے لیے, ادروائز وہ کنوکشن جو ہے وہ فائنل ہو جاتی, یہ اس لیے آئے تھے. تو یہ اپریہینشن جو ہے حکومت کی یہ بڑی بجا ہے, اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, بیل بانڈ جمع کرائے جاتے ہیں, اسی طرح یہ ضمانت نامہ ہے یہ وہاں پہ جمع کرا دیں, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. یہاں پر احمد اویس صاحب ایک اور ایسپیکٹ جو پورا دن آج زیر بحث رہا ہے میڈیا پر, میں اس پر آپ کی پہلے تو ایک لیگل ایسپیکٹ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہوں گی کہ مشرف کیس اور نواز شریف کیس کا کمپیریزن آج پورا دن ہوتا رہا ہے, تو کیا یہ کمپیریزن بنتا ہے یا ٹوٹلی مس میچ ہے؟ مشرف جو ہیں وہ ملزم تھے, جو نواز شریف ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ کانوکٹ ہیں, اور پھر مسلم لیگ نون نے بھی جو پرویز مشرف صاحب ہیں جب ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی تو ان سے کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی بانڈز نہیں لیے تھے, اب وہ کانوکٹ نہیں تھے, تو سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ مشرف کے کیس کا اس کیس سے کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کوئی موازنہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف کا جو کیس تھا وہ ابھی انڈر ٹرائل تھا, ان کو تو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی, یہ سزا یافتہ ہیں, ان کو کنوکشن ہو چکی ہے, اب اس کے خلاف اپیل ان کی پینڈنگ ہے, اس لیے صورتحال بالکل مختلف ہے, اس کا موازنہ جو ہے ایکوالٹی کے بیس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, اس وقت ان کی میاں نواز شریف کی حکومت تھی, جو احتیاط برتنی چاہیے تھی حکومت کو وہ ان کا کام تھا, انہوں نے کس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جانے کی اجازت دی, اور ان کے لیے کیا کمپلشن تھی کیا نہیں تھی, یہ ہمارے سے باتیں تو مخفی ہیں, حالات یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کوئک بریک لیں گے, بریک سے واپس نون لیگ اور جے یو ایف اے کا بھی پرسپیکٹو لیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت اتحادی چودھری شجاعت صاحب نے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیا ہے اس معاملے کو لے کر. اسٹے ود اس, وی بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर जो इस वक्त मामलात हैं, उनका जो बाहर के मुल्क जाने का मामला है वो हुकूमत और नून लीग के दरमियान एक डेड लॉक की सूरत जो इख्तियार कर गया है। इस पर हुकूमत इत्तेहादी चौधरी शुजात ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि वो इस मामले को निपटाएं और अपने माथे पर कलंक का टीका ना लगने दें, कल को ये दाग धोया नहीं जाएगा, ये मशवरा दिया गया है। तो अब क्या ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम जो है वो कोई फैसला जो है वो कायम करते हुए नजर आएंगे? साथ साथ हम बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने धरना खत्म करके प्लान बी के तहत सड़कें ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। अब धरने की हद तक तो ये आईनी हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन क्या सड़कें बंद करना किसी सियासी जमात के लिए, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजाजत देता है? हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और फिर सड़कें बंद करने से सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होगा, मुतासिर होगा, वो अवाम होंगे, उनके मसाइल होंगे, तो इस हवाले से क्या सोचा गया है? लेकिन बिफोर वी मूव ऑन, राना अरशद साहब, ये जो मामला डिस्कस हो रहे थे और हम कंपैरिजन देखते हैं कि वो बिल्डअप हो रहा है मुशरफ साहब के केस और नवाज शरीफ के केस को लेकर, तो आखिर नून लीग ये कंपैरिजन क्यों करती नजर आ रही है? आपने तो खुद जो है जाने दिया था उन्हें और श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं लिए थे, वो कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट है, इनका केस डिफरेंट है। आपको एक क्या करता हूं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबरा जो परवेज मुशरफ साहब हैं वो 12 अक्टूबर 1999 को आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए थे, फिर 3 नवंबर 2007 को जो उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी जो जजेस के साथ किया था वो एक सवालिया निशान है, और उसके बाद 12 मई 2007 का वाकया जो कराची एयरपोर्ट पर 52 लोग शहीद हुए थे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि परवेज मुशरफ साहब का नाम तो किसी हुक्मरान की जबान पर नहीं आएगा, यही फरोग नसीम साहब थे जो उसको ले जाने वाले थे। फरोग नसीम साहब के दोनों बिग बॉस परवेज मुशरफ साहब और अल्ताफ हुसैन साहब किस जगह पे खड़े हैं और नवाज शरीफ का कंपैरिजन करते हैं? नवाज शरीफ अपनी बेगम को मौत हयात की कशमकश में छोड़कर लंदन में 13 जुलाई 2018 को गिरफ्तारी देने के लिए आए और मरियम बीबी भी साथ आई। अब इशू यह है, हमने तो सजा पहले भी सीने के साथ लगाई, जब 24 दिसंबर को सजा होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब कोर्ट में गए और उससे लेकर अगर अपील का राइट ही हो तो फिर हम तो जेल 24 दिसंबर से लेकर आज तक काट रहे हैं और लगातार काट रहे हैं। इशू ये है कि ये हुक्मरान जो हैं ये मसल्लत शुदा हैं और ये कोई मुल्की एजेंडा नहीं। आज मुल्क का ये मार रोड पर अभी नबीना अफराद 2 हफ्तों से बैठे हुए मार रोड पर, इनकी एबिलिटी का आप अंदाजा लगा लें। पंजाब के हॉस्पिटल बंद हैं, खैबर पख्तूनख्वा का हॉस्पिटल बंद है और पिशावर मेट्रो बस का स्टेज क्या है। इशू ये है, बिजली महंगी, गैस महंगी और हत्ता के आप अंदाजा लगा लें कि लोगों के पास अब 50,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज हो चुके हैं। लाहौर के अंदर कैंसर के मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल रही, ये दिवालियापन के जिम्मेदार हैं खुद इमरान खान साहब, कोई और नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ये तस्दीक कर रहे हैं, हमें किसी सूरत कबूल नहीं। हमने कल आला सतीय विलास तलब कर लिया, मियां शबाज साहब ने हमारे वकला ठीक, आप मुशावरत के बाद आपकी आपको हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी। हम मूव ऑन करेंगे और हमें इंतजार रहेगा कि अब मुशावरत के बाद क्या फाइनल रिस्पांस आता है, क्या नून लीग जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स देकर एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है वो थ्रू करे ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अफेक्ट ना हो। बहरहाल मूविंग ऑन, मौलाना नासिर महमूद साहब, अब ये हमारे सामने आज मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि प्लान बी के तहत अब आप लोग सड़कें ब्लॉक करने जाएंगे, उसका सड़कें ब्लॉक करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब ये धरने की हद तक तो बात समझ आती थी, प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो तो आईनी हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन अब ये आप सड़कें बंद करने जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ये क्या किसी सियासी जमात के लिए इसकी आईन में इजाजत है? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह धरना हमारा पुरमन था, ये हमारा एहतजाज है और एहतजाज का अवकन के पास यही रास्ता होता है कि वो रोडों पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, चाहे वो रोड इस्लामाबाद के हों, चाहे वो कश्मीर हाईवे हो या डी चौक हो, रोड रोड ही कहलाता है और लोग उसके ऊपर बैठकर अपना अपना एहतजाज करते हैं। हमने पहले मार्च का आगाज किया कराची से और इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पर बैठे रहे, एहतजाज किया
اور آپ نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی آپ نے دیکھی, تو اس کے بعد ہماری طرف سے تو پہلے سے یہ اعلان تھا کہ یہ ہماری تحریک ہے اور ہم اس دھرنے کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں پلان بی کی طرف, اور پلان بی میں ان کے علم میں بھی تھا کہ ہم اس دھرنے کو یہاں سے اٹھا کر مختلف شاہراہوں میں مختلف شہروں پہ ہم جا سکتے ہیں. تو اسی کے مطابق آج ہم مختلف ملک کی شہروں کے اندر مختلف شاہراہوں پہ منتقل ہو رہے ہیں, اور کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جہاں پہ آج ہی سے ناصر محمود صاحب اب یہ Alright. یہ ناصر محمود صاحب اگر اینالائز کیا جائے آپ کے پلان اے کو, اگر تو آپ نے دو دن کی ڈیڈ لائن دی تھی, آج دو ہفتے پورے ہو رہے ہیں, آپ نے کہا تھا ریزگنیشن سے کم بات نہیں ہوگی, فریش الیکشن سے کم بات نہیں ہوگی, دو دن کی ڈیڈ لائن دے دی تھی, آج دو ہفتے بعد بھی ان کنڈیشنز پہ کسی قسم کی کوئی حکومت کی جانب سے ہل جل نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ تو ابھی تک دیکھا جائے تو آپ کے پلان اے نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے, اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ پھر پلان بی ایسا کیا جادو کر دے گا یا کوئی ڈفرنٹ بات جو ہے سامنے آ جائے گی کہ حکومت آپ کے مطالبات مانتی بھی نظر آئے گی؟ ہمارا یہ احتجاج ہے اور ہماری یہ تحریک ہے, کس قدم پہ ہمیں اس پہ کامیابی مل جاتی ہے اس کا فیصلہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے, لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ ہم ایک موقف لے کر نکلے ہیں اور ہمارے اس موقف کو دن بدن پذیرائی ملی ہے, ہمارے احتجاج کو بھی عوام نے تسلیم کیا ہے اور دنیا نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے, اور اب جب ہم پلان بی کی طرف جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے پلان اے سے حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا, تو اب ہم مجبوراً پلان بی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم حکومت کوئی سنجیدہ مذاکرات کرتی, ہمارے جو اصولی موقف ہے اور قانونی جو ہمارا آئینی مطالبہ ہے اس کو تسلیم کرتی, تو ہمیں کبھی ضرورت نہ پڑتی پلان بی کی طرف جانے کی. تو ہم جو پلان بی کی طرف گئے ہیں تو پلان اے کے بعد گئے ہیں, اس پہ ہم نے پورے 15 دن انتظار کیا ہے اور پرامن رہے ہیں, کسی طرح کی بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. تو اب پلان بی ہر جگہ ہر شہروں کے اندر لوگ نکلیں گے, روڈوں پہ بیٹھیں گے, اپنے احتجاج کریں گے, اس میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے. یہاں پر احمد اویس صاحب ٹھیک پوچھ لیتے ہیں حکومت سے, یہاں پر احمد اویس صاحب اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے پلان اے کے تحت جو دھرنا ہے وہ تو ریپ اپ کر دیا گیا ہے, اب وہ پلان بی کی جانب جا رہے ہیں, اور حکومت کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ دھرنے کو اسلام آباد آنے تک نہیں روکا گیا, اور نہ ہی وہ جو دھرنا جو دو ہفتے بیٹھا رہا ہے اس کو منتشر کیا گیا یا اس پر کسی قسم کا کوئی فورسفلی جو ہے ایکشن لیا گیا ہو. اب یہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے پلان بی جس کو کہا جا رہا ہے کہ جس میں روڈ بلاکس کیے جائیں گے, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئٹہ میں جو شاہراہ چمن شاہراہ ہے وہ بلاک کر دی گئی ہے, پھر اسلام آباد میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو فیض آباد انٹرچینج ہے وہ بلاک کی جائے گی, تو اب یہ حکومت جو ہے اگر بلاک کر دیا جاتا ہے تو کیا سڑکیں کھولنے کے لیے حکومت جو ہے وہ فورس کا مظاہرہ کرے گی, اس سے کیا احتجاج جو ہے وہ تشدد کا راستہ بھی اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا؟ حکومت کے پاس اب کیا آپشنز ہوں گی؟ بیکاز جو پلان اے تھا اس میں جو رہبر کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی اور جو چودھری برادرانس تھے وہ تمام میٹنگز جو ہے وہ کوئی حل نہیں سامنے لا سکی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا جو بہت بڑی ایک چھلانگ لگائی تھی انہوں نے, ایک بہت بڑی ڈیمانڈ, ایک ویری ہائی اسٹرنگ پرسن ہی ٹرائیڈ ٹو پروو ہم, لیکن بہرحال صورت حال بالکل مختلف آئی. انہوں نے کہا کہ جی جب تک پرائم منسٹر جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, جب تک ملک میں نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوگا اور ان انتخابات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, جب تک وہ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور یہاں تک کہ انہوں نے وہاں اسلام آباد پہنچ کے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اتنا بڑا جم غفیر ان کے پاس ہے کہ ابھی وہ اگر حکم نامہ صادر کر دیں تو پرائم منسٹر کو بنی گالا سے ان کے گھر سے گرفتار کر کے بھی لایا جا سکتا ہے, یہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس دن. لیکن صورتحال دے بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مورل جو ہے نا مورل اسٹرینتھ نہیں تھی. یہ جو کچھ بات انہوں نے کی کہ ایک ایسا شخص جس کے 1.3% 1.3% جن کی پورے نیشنل الیکشن کے جو پوری ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر پرسنٹیج ان کی تھی, الیکشن یہ خود ہار گئے دونوں سیٹوں سے, اور جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ تمام انہوں نے کسی نے ریگنگ کا چارج نہیں لگایا جیسے مولانا نے لگایا, انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کسی پارٹی نے کہ جی یہ
हम असम्बलियों का बायकॉट कर देते हैं क्योंकि ये गलत इलेक्शन हुए हैं। मौलाना ने एक सोलो फ्लाइट ली और उसके पीछे क्या मुहरकात थे ये एजेंसियों को मालूम है। मैं यहाँ खोल के ये बात करना नहीं चाहता क्योंकि जो बात होगी वो सबूत से होगी। बात यह है कि अब जब देखा उन्होंने कि हुकूमत ने तो बड़े खुले एक वसी कलबी का मुजाहरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपकी जो जगह आपके लिए फिक्स है, हमने जो एग्रीमेंट आपसे कर लिया वहाँ आके आप बैठें और आपने जो धरना देना है बेशक दें, जो आपकी डिमांड है वहाँ पर बात करें। और वो वक्त गुजर गया। अब ये डिमांड जब देखा कि ये डिमांड तो पूरी होने वाली नहीं है, शिकायत भी होती हुई नजर आई हमें। अब ये बी के ऊपर आया ना, जी मैं बताने लगा हूं, अब बी के ऊपर जो आए, अब कह रहे हैं, मैं यही बात आपसे करने लगा हूं कि बी के ऊपर ये कह रहे हैं, बात तो ये कर रहे हैं कि आवाम की मुश्किलात के पेश नजर उन्होंने ये फैसला किया था। अब जो प्लान बी है वो तमाम आवाम की मुश्किलात को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। रोक दी जाएंगी, शाहराहें रोक दी जाएंगी, आम दरख्त बंद कर दी जाएगी, लोगों को मुश्किलात का सामना होगा, तो हुकूमत बड़ी सख्त तरीके से डील करेगी। ये मौलाना फजलुर रहमान ने अपने अपने जो प्लान बी का ऐलान कर दिया है जिसके तहत जो है वो मेजर रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा। और उन्होंने आज अपने जो खिताब में है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात की, जो ये मामला चल रहा है उनका बैरून मुल्क जाने का। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना रहा है कि हुकूमत अराकीन की जानिब से ऐसे जुमले कहे जा रहे हैं जो हौसला शिकनी का सबब बनते हैं, और हुकूमती हलकों में ख्याल था कि इज्तिमा उठेगा तो हुकूमत के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, लेकिन अब सूबों और ज़िलों में हुकूमत की चूल्हें हिल गई हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो क्या आप लोग भी उनको फॉलो करेंगे उनके इस प्लान बी में? क्या नून लीग भी उनका हिस्सा बनेगी या प्लान बी आप लोगों के, जब स्टार्ट हुआ था ये तमाम धरने का मामला तो प्लान बी से आपको आगाह नहीं किया गया था, अब अगर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा प्लान बी के लिए तो क्या आप लोग इनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए जी, जो रहबर कमेटी फैसला करेगी हम उसको फॉलो करेंगे और हम आजादी मार्च में बिल्कुल शामिल हैं, लेकिन लॉकडाउन के हक में हम ना पहले थे ना अब हैं कि हम शहरों को लॉकडाउन करें। इसके लिए कल आला सतही इजलास सदर पाकिस्तान मियां शबाज साहब ने तलब कर लिया है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 12 अगस्त 2014 का जो धरना था उसमें और इस धरने में जमीन आसमान का फर्क है। उस धरने में तमाम वायलेशंस हुई, रेड जोन पर कब्जा किया गया, पार्लियामेंट पर हमला किया गया, पीटीवी पर हमला किया गया और वहां पर सिविल नाफरमानी का जिक्र किया गया, गिराओ जलाओ किया गया, और हत्ता के ये खान साहब ने फरमाया कि पैसे बैंकों के जरिए ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और हमारा ये जो आजादी मार्ग था, जो गवर्नमेंट से कमिटमेंट थी उसी जगह से पर था और उसी जगह से आज वो मुंतशर हो रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खान साहब के दौर में तो चाइनीज प्रेसिडेंट का जो विजिट था वो भी कैंसिल हो गया, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब और उनकी टीम 1.5 साल में कंटेनर से नीचे नहीं उतर रही। मैं यहां पर नासिर महमूद साहब आपकी जानिब जाऊंगी, हमारे शो का खत्म भी वक्त भी काफी कम रह गया है। नासिर महमूद साहब, अब ये मौलाना साहब ने जो अपना आज का खिताब किया उसमें प्लान बी का तो ऐलान कर दिया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि इस फैसले में क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ शामिल हैं या नहीं, और ये कि क्या जो रहबर कमेटी है वो अब गैर फाल हो चुकी है, और मौलाना फिर अगले मुहाज पर क्या हमें अकेले ही नजर आएंगे और अकेले ही वो फैसले करेंगे? मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब का वाकई एहसानमंद होना चाहिए कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में पहुंच चुके थे और जिस जज्बे और वलवले के साथ वो आए थे, अगर वाकई क़यादत हमारी संजीदा ना होती तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ जाता। मैं समझता हूँ तमाम सियासी, हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी ये सियासी बसीरत है कि उन्होंने उन कारकुनों को हौसला दिया और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और पुरमन ये हमारा धरना मार्च ये चलता रहा इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी बात ये है कि हमारे भाई कह रहे हैं हम अपने मौकफ पर, मौलाना फजल रहमान उस मौकफ पर डटा हुआ है, जो बात पहले दिन उन्होंने की थी आज भी उसी बात पे हम कायम हैं कि हमारा ये एहतजाज, हमारा ये कारवा, हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम इस जेली और नाजायज
اور دانلی زدہ حکومت کو گھر نہیں بیچ دیتے، اس وقت تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، اس موقف پر ہم قائم ہیں۔ اور اگر یہ موقف پی ٹی آئی، لیکن ناصر محمود صاحب، یہاں پر سڑکیں بند کرنے سے تو سب سے زیادہ عوام متاثر ہوگی، تو پھر سوال تو یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس سے اب یہ سمجھا جائے کہ ہمیں اب سڑکوں پہ مہاجرائی کی صورتحال جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آئے گی، کسی قسم کا کیاس جو ہے اس کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ احتجاج شہروں کے اندر نہیں بلکہ بڑی شاہراہوں کو بند کر کے کریں گے، تو اس سے کیا شہری متاثر نہیں ہوں گے؟ اگر یہ موقف پی ٹی آئی چار حلقوں کی بنیاد پہ اپنا سکتی ہے تو جہاں پورے ملک کے حلقے اور سارا الیکشن دھاندلی زدہ ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ موقف اختیار کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی سے پوچھیں، یہ ہمارے ووٹ کا تناسب اور شرح بتا رہے ہیں، ان سے پوچھیں 2002 میں آپ کے ووٹ کی شرح کیا تھی، 2007 اور 8 کے الیکشن میں آپ کے ووٹ کی شرح کیا تھی، شرح کیسے بنی ہے اس کو بھی دنیا جانتی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کا دوسرے پلان کا اعلان کر دیا ہے، عوام خود ہمارے ساتھ شریک ہے، عوام خود احتجاج کر رہی ہے، عوام خود روڈے پہ آ رہے ہیں، اس ناجائز حکومت سے آپ دیکھیں اپنی، ایک منٹ بات سنیں، عوام بچارے اب 400 روپے کا ٹماٹر کلو نہیں لے سکتے، مہنگائی کے دلدل میں لوگوں کو دھکیل دیا ہے، ایک غریب آدمی کی زندگی آپ نے اجیرن بنا دی ہے، 5 سال یہاں پر اگر کوئی آدمی جینے کا اس حکومت میں سوچتا ہے۔ آپ کا پرسپیکٹو آ گیا، ہم پوچھ لیتے ہیں یہاں پر اب احمد اویس صاحب، ایک تو آپ رسپونڈ کر دیجیے گا ناصر محمود صاحب کے ریزرویشن کو، دوسرا یہ جو پلان بی ہے، ملک کے جو میجر روڈز ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے، تو اس سے کیا حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ بیکاز عوام کو تو بہت فرق پڑے گا، اور ابھی جو مولانا صاحب کی نئی اسٹریٹجی ہے، کیا یہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، کوئی چیلنج آپ کے لیے آگے جا کے بنے؟ یہ دیکھیں، یہ اصل میں جو اب انہوں نے یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں، یہ صرف حکومت کے لیے مشکلات اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور حکومت کمیٹڈ ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور آئینی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، موومنٹ کی آزادی، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، یہ ان کے لیے حکومت کمیٹڈ ہے، لہٰذا اس کو بڑی سختی سے نپٹا جائے گا، اور کسی صورت نہ بلاکٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ سڑکیں شاہراہیں جو ہیں ان کو روکنے کی اجازت دی جائے گی۔ احتجاج کرنا تھا، انہوں نے کر لیا، فارغ ہو گئے ہیں، واپس جائیں آرام سے، اور اللہ کا شکر کریں خیریت سے سب کچھ معاملات کر کے واپس آ گئے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھیں اس طرح سے حکومت کو وہ دبا لیں گے اور بلیک میل کریں گے تو پوسیبل نہیں ہے۔ احمد صاحب، ناصر محمود صاحب، اب یہ جو بات یہاں پہ سامنے آئی ہے کہ ابھی تک تو آزادی مارچ کی بات تھی اور دھرنے کی بات تھی، وہاں تو مولانا صاحب خود موجود ہوتے تھے اور ان کی قیادت میں یہ تمام دھرنا رہا، تو اسی لیے وہ پیسفل بھی رہا اور کسی قسم کی ہم نے مس مینجمنٹ نہیں دیکھی، میں نے خود بھی کور کیا تھا اس دھرنے کو جا کر۔ لیکن اب جبکہ آپ یہ احتجاج پورے ملک میں لے کے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں، تو بغیر کسی رہنما کی وہاں پہ فزیکل پریزنس میں ان تمام علاقوں میں، آپ اپنے اس پروٹیسٹ کو کیسے منظم اور آرگنائز رکھ سکتے ہیں، اینڈ دین پیسفل کیسے رکھیں گے آپ اسے؟ میں نے آپ سے کہا حکومت کو احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ اس احتجاج کی قیادت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اور اس کا انتظام جمعیت علماء اسلام کے ورکر کے پاس ہے۔ لازمی بات ہے اب جب مختلف شاہراہوں پہ یہ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، تو مولانا صاحب ہر جگہ تو موجود نہیں ہوں گے، لیکن نچلی سطح کی قیادت بھی مولانا فضل الرحمان کی تربیت یافتہ ہے اور ان کی ہدایت بھی اسی طرح ہے۔ آج آپ نے ان کا آخری خطاب سنا ہوگا، اس میں خصوصی طور پر انہوں نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم نے اگلے مرحلے کو، پلان بی کو بھی پرامن رکھنا ہے، امن و امان اور نظم و ضبط یہ ہمارا امتیاز ہے، اور وہی رضاکار ہمارے ہر سطح پہ، ہر فورم پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسی امن و امان کو نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو بھی ہماری شاہراہوں کا انتخاب ہوا ہے وہاں بیٹھ کے اپنا احتجاج جاری و ساری رکھیں گے۔
بہت بہت شکریہ ناصر محمود صاحب, رانا ارشد صاحب, احمد اویس صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب وقت ہی بتائے گا کہ کتنا پیسفل رہے گا تھرو آؤٹ جو یہ پورے ملک میں اب جو یہ پروٹیسٹ جو ہے پھیلتا ہوا نظر آئے گا, اور کل کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے اس سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.